बड़ी बलिया पंचायत के पंचायत समिति हैं आप जी? नहीं, पंचायत समिति के पति। अच्छा, पंचायत समिति के पति। कहाँ तक क्या विकास का काम हो पाया है? विकास का काम तो यहाँ जो सात निश्चय के अंतर्गत थोड़ा बहुत काम हुआ है। मतलब उस काम से आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रही है? वो तो सेटिस्फेक्शन देखने की चीज़ है, देखिए तो पता चलेगा। शौचालय वगैरह की क्या स्थिति है? शौचालय में जो है तो यहाँ लोकल कहिए या स्वच्छता कर ही कहिए उसके जरिए पैसा उगाही किया जाता है, उसके बाद उसको मान लीजिए ठीक मिलता है। आपको क्या लगता है कि इस तरीके की स्थिति से ग्रामीण विकास, जो पंचायती राज व्यवस्था के तहत सरकार की जो मर्जी है, वो मतलब सक्सेस हो रही है? नहीं हो रही है। वार्ड सदस्य काम नहीं करते? काम करते हैं, लेकिन उनके साथ में क्या प्रॉब्लम है, क्या है, वो तो खुद बता सकते हैं। बेगूसराय में बाहर के उम्मीदवार का स्वागत किया जा रहा है, क्यों लोकल उम्मीदवारी एक ही बात नहीं हो सकती थी? नहीं, लोकल उम्मीदवार का मान लीजिए होना चाहिए एकदम। अच्छा, ये बाहर के उम्मीदवार के आने से नहीं लगता कि कुछ परेशानी भी बढ़ सकती है? एकदम बढ़ सकती है। लोकल उम्मीदवार में किसी का नाम बता सकते हैं? लोकल में अगर गठबंधन में रहता तो कन्हैया जी होते, ऐसे गठबंधन में किनको मान लीजिए टिकट दिया जाता है गठबंधन के तरफ से, या तनवीर हसन हुए भगतपुर के, कौन सिंह है उनको दिया गया। एनडीए में लोकल रजनीश जी थे, और एक रजनीश जी के यहाँ नाम मान लीजिए सुनते थे, एमएलसी साहब जो हैं। शौचालय की क्या स्थिति है आपके? बुरा है। क्यों बुरा है? क्योंकि पैसा घूस लेके चला जाता है, पैसा रिटर्न भी नहीं करता है और बाथरूम भी नहीं बनाता है। मतलब घूस कौन ले रहे हैं? घूस जो है यहाँ का जो कष्ट नेता जो बनता है वार्ड सदस्य या कोई। आपसे कोई किसी ने मांगा? हमसे जो आया घर पे उसको दिए हैं। आपने भी दिया है? हाँ। मतलब लोकल उम्मीदवार चाहते हैं या बाहर के उम्मीदवार चाहते हैं? लोकल हमने चाहते हैं। लोकल चाहती हैं आप? लोकल सदा के लिए काम आने के लिए। किसी का नाम सुझा सकते हैं महागठबंधन से? तनवीर हसन को। तनवीर हसन जी। और एक तो नाम कन्हैया जी का भी चल रहा है। हाँ, तो कन्हैया जी को हम लोग नहीं पहचानते हैं, लेकिन तनवीर हसन को जानते हैं। और अगर किसी कारण से कन्हैया जी को टिकट मिल जाए महागठबंधन से, तब क्या करेंगे? अब तो कन्हैया जी को है ना मिल जाए तो है ना, हम कन्हैया जी से नहीं लाभ पहचानते हैं। फिर क्या करेंगे? तनवीर हसन को ही देना है। अगर तनवीर हसन नहीं हो, कन्हैया जी हो, तब क्या करेंगे? तो मजबूरी में देना पड़ेगा हम लोग को। मजबूरी में देंगे? आए हैं देखिए नजर से, आपको आप नजर से हमको देखिए बाबा, आप देखिए बढ़िया है कि खराब है जी, हमको कहा सुना, आप अपना देखिए ईमानदारी से, तब ऐसे न कि आप पान खा लीजिएगा, चाय पी लीजिएगा, चले जाइएगा। काम भी होना चाहिए। आप पीते हैं जी? जी, आपके वार्ड में विकास हो रहा है? हाँ, हो रहा है। काम धाम बढ़िया से हो रहा है? चलिए, पंचायत में विकास की क्या स्थिति दिख रही है? योजना का जो भी काम है वो सही ढंग से नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा? नहीं होने का कारण है कि यहाँ लोग जनता मुख अपना खोलना नहीं चाहता है। मतलब मुख खोलने में मतलब परेशानी क्या? परेशानी यही है कि जो अभी होता है बिहार में वही होता है, यही सोच के। जो काम अभी सात निश्चय के अंतर्गत हो रहा है उसको जमीन पे कितने अच्छे तरीके से उतार पा मेरे समझ से पूरे बिहार में सही ढंग से धरातल पर तो नहीं। नहीं, आप आपके क्षेत्र में? हाँ, मेरे क्षेत्र में भी सही ढंग से नहीं। ये भी शिकायत मिल रही है कि सड़क बन जाती है और पटवन भी नहीं होता। हम आपको बता रहे, 3 नंबर वार्ड का एक घटना है जी, उसमें 6 लाख का साथ था टेंडर। अब पुराने जो जोड़ाई था ईटा का, उसी पर ईटा जोड़ के और उसको बंदरबांट कर लिया। 3 नंबर वार्ड जो है बड़ी बलिया इसी पंचायत का, और उसमें कुछ लोग पेपरबाजी किया, मुख्यमंत्री सचिव वगैरह इस सब का नाम देके किया था, लेकिन वो था उसको डराने, बाढ़ को डराने का ख्याल, और उसमें फिर अपना सेटिंग हो गया। आप वार्ड कमिश्नर हैं जी, कितने नंबर वार्ड के? 7 नंबर वार्ड।
क्या सब काम करवाए? नली गली यही सब हो रहा है। नली गली हो रहा है जी। शिकायतें बहुत मिल रही है? कोई शिकायत मेरे वार्ड में नहीं है। कोई भी शिकायत नहीं, नहीं है। काम बढ़िया से कराए हैं जी। 100% उसमें सारा चीज लगाए हैं जी। सारे कुछ अच्छे हैं जी। ईंट सोलिंग वगैरह जी सब है। ईंट सोलिंग किसी ढलाई भी है सब है जी। ये देखिए ये ईंट है और ये ईंट का प्रयोग जो है सड़क निर्माण में कराया जाता है। आप ईंट की क्वालिटी को देखें। आप क्या हैं? हम बार सदस्य हैं, बार नंबर 9 बड़ी बढ़िया दर्शनी के। अच्छा, काम करा रहे हैं 7 निश्चय का जी। बहुत शिकायत है क्या हो? ये कितना सही है ये शिकायत? हम लोग में तो शिकायत नहीं है अभी तक। आप लोग सड़क बनाते हैं तो पानी क्यों नहीं डलवाते हैं? पानी डलवा रहे हैं। नहीं डलवाते हैं? लोग एकदम से बोल रहे हैं कि बिल्कुल नहीं पानी वानी डालते हैं। ये नहीं, हम तो पानी डलवा रहे हैं। आप डलवा रहे हैं? कमीशन कितना ले रहे हैं? अभी हम कमीशन तो नहीं दिया है किसी को। लिया है कमीशन? हम अपने बनाए करते हैं तो फिर कमीशन किससे लेंगे? अच्छा, किसी से लेने का भी नहीं? शौचालय उचालय में? शौचालय में भी नहीं। यानी आप बिल्कुल ईमानदार हैं जी। चलिए।